बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे इस बीच की ड्यूटी में लगे जवान की मौत हो गई है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत की खबर मिल रही है। महोबा से ये जानकारी, ये जवान ड्यूटी में तैनात था, चुनाव के दौरान उसकी ड्यूटी लगाई गई थी, तभी अचानक से क्या वजह रही है उसकी मौत हो गई, ये जांच का विषय है। लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान अचानक से ही उस शख्स ने, उस जवान ने दम तोड़ दिया, तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रखे हैं। हालांकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और नोएडा में भी गर्मी के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, ये जानकारी अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। बिल्कुल, तो गर्मी की वजह से नोएडा के स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। कक्षा 8 तक सभी स्कूल अब बंद रहेंगे, अगले आदेश तक स्कूलों में छुट्टी डीएम ने जारी कर दिया आदेश। लू और भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम ने अब आदेश जारी कर दिया है। हम आपको बताते, इस पूरे हफ्ते नोएडा के कई स्कूल खुले हुए थे, लेकिन अब डीएम के आदेश के बाद स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। वैसे भी गर्मी छुट्टी होने वाली थी, लेकिन अब डीएम के आदेश के बाद गर्मी की छुट्टी कर दी गई है, अगले आदेश तक ये छुट्टी बनी रहेगी। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, 45-47 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त है और ये बड़ी खबर अब आ रही है और जो बच्चे हैं उनके स्कूलों को बंद कर दिया। आगे बढ़ती है इस बीच एक और बड़ी खबर, माफिया मुख्तार अंसारी के भाई से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी के लिए आज बहुत अहम और बड़ा दिन है। आज अफजाल अंसारी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। गाजीपुर के स्पेशल कोर्ट से गैंगस्टर के मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा मिली है और इसी मामले में आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अगर अफजाल को राहत नहीं मिलती है तो गाजीपुर से चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे। अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से जुड़ी हुई कि उनके लिए आज का दिन बहुत अहम है, काफी कुछ आज तय हो जाएगा, उनका भविष्य भी। तो आज अफजाल अंसारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। गाजीपुर के स्पेशल कोर्ट से गैंगस्टर के मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा मिली है और इसी मामले में आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। आज सुनवाई का दिन, अफजाल के लिए बड़ा दिन। अगर अफजाल को राहत नहीं मिलती है गाजीपुर से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि वो वहां से कैंडिडेट घोषित किए गए हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं। अगर सजा मिलती है तो फिर वो प्रत्याशी नहीं रहेंगे। अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और आज पल पल की जानकारी न्यूज 18 तो आपको देगा ही, लेकिन सुनवाई पर भी आपको हम हर एक तस्वीर दिखाते रहेंगे। तो 14 सीटों पर पांचवें चरण में मतदान हो रहा है, हर एक तस्वीर, हर एक पोलिंग बूथ पर हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं। हर एक कैंडिडेट का हाल और मतदान किस तरह से चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक और हाँ, न्यूज 18 आपसे अपील करता है, अगर अभी तक आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है, अपने क्षेत्र में वोट पड़ रहे हैं तो जरूर जाइए और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर निभाइए। यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक।